गस मेरे पास है रियलमी की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 30। तो आप यहां पर देख सकते हो, आज इस वीडियो में इसका वाटर टेस्ट करने वाला हूं। अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है या बारिश में भीग जाता है, कुछ भी डैमेज वगैरह होगा कि नहीं दोस्तों, ये जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। ऐसे भी गाइस वाटर टेस्ट करने से पहले स्मार्टफोन का कुछ टेस्ट वगैरह कर लेते, जैसे इसका कैमरा। पहला दोस्तों कुछ कैमरा पिक्चर सैंपल खींचते हैं, इसका बैक कैमरा और रियर कैमरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो इसके बाद चलिए इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते। यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। चलिए इसका फेस अनलॉक ट्राई कर लेते। तो यहाँ पर फेस अनलॉक भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। और टच वगैरह भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। इसके बाद दोस्तों सीधा चार्ज में लगा कर देख लेते हैं क्या स्मार्टफोन चार्ज होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्मार्टफोन है चार्ज हो गया और चार्जिंग का सिंबल वगैरह आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चार्ज भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो चलिए इसका साउंड क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो म्यूजिक वगैरह आता है NCS की तरफ से कॉपीराइट म्यूजिक, इसको प्ले कर रहा हूँ, सुन सकते हो। जो दोस्तों इसका जो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो दोस्तों चलिए पहला स्मार्टफोन को यहाँ पर रखते हैं और इसके ऊपर पानी को गिराते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर का बटल है, जो पानी का बटल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर डालते हैं इस फ़ोन के ऊपर। तो इसके बाद देखते हैं क्या स्मार्टफोन में कुछ भी डैमेज वगैरह होता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम वगैरह आता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं पानी को डाल रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। और इसको साइड में रखते और स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते। तो 1 मिनट तक पानी को पानी के अंदर रखने वाला हो इस स्मार्टफोन को, और उसके बाद दोस्तों निकल के टेस्ट करने वाला है स्मार्टफोन में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आता है कि नहीं। मेरा ये वीडियो बनाने के लिए एक ही मकसद है, अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है या बारिश में भीग जाता है, फ़ोन में कुछ डैमेज वगैरह आता है कि नहीं। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। एक लाइक तो आप लोगों की तरफ से जरूर मिलना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन को मैंने पलट दी। अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है या बारिश में भीग जाता है, पहला आपको क्या करना होगा, उस फ़ोन को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई करना है। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, तो पहला पानी से निकल के दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो पोर्शन बटन रहता है उतार के अंदर पानी चला जाता है, तो आपको पहले ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेक कर लेना है, उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ड्राई भी कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करोगे ऐसे। तो यहाँ पर स्पीकर मिलता है फ्रंट साइड की तरफ, वहाँ पर भी पानी चला जाता है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सेक कर लेना है। और यहाँ पर जो 3.5 mm ऑडियो जैक जो रहता है उसके अंदर भी पानी चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो पहला उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी चला गया और यहाँ पर बाहर भी निकल रहा है, बहुत पानी गया। तो इसको सिंपली बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी गया है, तो बहुत पानी चला गया। तो चलिए इसके बाद सीधा टेस्ट कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम वगैरह आता है कि नहीं। पहला दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट को टेस्ट करने वाला हो। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो पानी के जाने के बाद दोस्तों इसका जो टच में प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टच में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से टच हो रहा है। फेस अनलॉक ट्राई कर लेते हैं, फेस अनलॉक भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ है। कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, तो सेल्फी कैमरा पहला, उसके बाद रियर कैमरा से फ़ोटो लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा इसका ज़बरदस्त है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आया है। तो चलिए इसके बाद टेस्ट कर लेते हैं इसका चार्जिंग। तो इसका चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ज हो रहा है, 60% है चार्ज हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3.5 mm जो ऑडियो जैक का सिंबल वगैरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैसे ये फ़ोन जो है थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3.5 mm ऑडियो जैक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो चलिए 3.5 mm को लगा कर टेस्ट कर लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसे आता है। तो यहाँ पर जो म्यूजिक है उसको प्ले करने वाला हो, तो यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ।
तो सुनाई दे रहा है, आप यहाँ पर सुन सकते हो, थोड़ा सा स्लो साउंड आ रहा है अगर आप नोटिस करोगे तो। हाँ और दोस्तों इसका और जो रियर स्पीकर का साउंड सुन लेते हैं, रियर स्पीकर भी काफ़ी अच्छा खासा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आया है। अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाता है तो पहले आपको स्विच ऑफ करके थोड़ी देर तक आपको इसको स्विच ऑफ करके रखना होगा, और दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ड्राई करना होगा। बस ये था रियलमी नार्ड जो 30 का वाटर टेस्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।